जैसे कि पहले भी हम लोगों ने आप लोगों से वीडियो शेयर की थी कि सीज़न चेंज हो गया है तो मार्केट में जो से हैं जैकेट, टोपियाँ, मफरल, स्कार्फ और बहुत से मतलब जो से सर्दियों की लवाजमात कपड़ों के हवाले से वो मौजूद हैं। इसी तरह यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है कि फैसलाबाद में मतलब कपड़े का जो शहर है, ठीक है, यहाँ कपड़े के हवाले से इसकी पहचान है, कपड़े ही इसकी मतलब बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है पूरे पाकिस्तान में। फैसलाबाद कपड़े की बहुत डिमांड है, इसको पहचाना जाता है, माना जाता है। तो इसी तरह मैंने यहाँ सोचा कि क्यों ना आपके साथ ये भी वीडियो शेयर की जाए। यहाँ पर मुझे मतलब कपड़े जो से हैं वो सेल शॉप्स में तो होते ही हैं, लेकिन एक जो नई चीज़ नज़र आई कि यहाँ पर भी जो से वो लगे हुए कपड़े और मतलब ये जेंट सूट है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जहाँ पहले मैंने आप लोगों को जैकेटों का, मफलर, टोपियों का आइडिया दिया कि क्या प्राइस चल रही है, कस्टमर की क्या डिमांड है और क्या डिफरेंस आया, महंगाई कितनी हुई है और लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, तो आज सोचा कि दोबारा आप लोगों से कपड़ों की वीडियो को भी शेयर किया जाए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कस्टमर है, गहमा गहमी है, लोग ख़रीद रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कोई मतलब तेज़ी नज़र नहीं आ रही। तेज़ी की क्या वजह है? डेफ़िनेटली महंगाई ही होगी कि यहाँ पर कस्टमर ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है, लाजम और मलजूम है, जिस्म को ढांपना है, कपड़ा ज़रूरी है, मौसम चेंज हो गया है और गर्म कपड़े के बगैर गुजारा नहीं है। इसीलिए आज मैंने ये वीडियो को रिकॉर्ड किया है और ताकि आप लोगों को बताया जा सके कि मार्केट में कौन कौन से कपड़े आ गए हैं, क्या प्राइस है उनकी और कस्टमर की क्या डिमांड है। तो चलते हैं भाई की तरफ और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई आपका? अच्छा, तो भाई मुझे ये बताएं कि ये जो यहाँ पर गर्म कपड़े हैं ये सारे जेंट्स सूट हैं, ठीक है, तो पहले मुझे आप बता दें कि मतलब इनकी स्टार्टिंग प्राइस क्या है, लास्ट ईयर क्या थी और इस साल क्या है? तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, ये जो वरायटी थी ना जी, ठीक है, ये पिछले साल थी 300-350 में, अच्छा, इसी का रेट है 550-550। ओके, डबल हो गई है। डबल हो गई है, मतलब जब रेट्स डबल होंगे डेफिनेटली फिर जो कस्टमर है उस पर भी असर पड़ रहा होगा आप लोगों के। कस्टमर में पड़ता है, कस्टमर में असर पड़ता है, जो होते हैं ना बेचने वाले उन पर नहीं होता है, जो लेने वाले छोटा दबके वाला उन पर असर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जब मैं और भी लोगों से मेरे सब ने मुझे यही कहा है कि आप लोग महंगाई के हवाले से मतलब अपनी आवाज़ उठाएं, आप लोग वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हुकूमत का भी उनसे बाकी दीगर देखने वाले हैं आप लोगों के, ताकि महंगाई का कोई तोड़ निकाला जाए। इसीलिए मैं आपसे भी पूछ रही हूँ कि मतलब आपके कारोबार पर कितना असर पड़ा, मतलब अब सीज़न चेंज हो गया है। सारी सी बात है, हर काम पर असर पड़ा है, जब पेट्रोल महंगा होता है ऑटोमेटिकली कपड़ा महंगा होता है, ठीक है, ठीक है, जो कपड़ा महंगा होगा सबने ये पहना था, पैन बिल्कुल बिल्कुल, घी वगैरह, पेट्रोल वगैरह हर चीज़ महंगी हो रही है, चीनी का आप रेट देख लें डबल से ज़्यादा हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। अच्छा, तो आप लोग ये माल कहाँ से लेकर आते हैं? हमारा मुख्तलिफ फैक्ट्रियों वगैरह से लेकर आते हैं, फैक्ट्री वगैरह से लेकर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे मतलब नज़र आ रहे हैं कपड़े, तो आप मुझे मतलब सब मतलब स्टफ में डिफरेंस है, प्राइस डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है इनका, मतलब अगर हम लोग यहाँ से शुरू करें जी, इसका ये क्या ये है? तो शैमरे शाइन शैमरे में होती है वैरायटी, अच्छा, ठीक है, शाइनिंग वाली आइटम है, मतलब ये सर्दियों के ही कपड़े हैं, फोर सीजन वैरायटी, अच्छा, ये तकरीबन है 650-700 वाली, अच्छा, उसके अलावा ये जो ये सर्दियों वाली आइटम है ये तकरीबन है 750-800 वाली है, ठीक है, ठीक है। इसका प्राइस भी डबल हो गई है, मतलब लास्ट ईयर ये हमने सेल किया 450-500 में, अभी इसका रेट मांगने हमें 850 पड़ रहा है, ठीक है, सही, सारा बोझ ये कंज्यूमर पे जा रहा है, कस्टमर पे जा रहा है, सही जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे लेडीज सूट भी हैं मतलब पड़े हुए? जी, लेडीज भी पड़े हुए हैं, तो इनका भी जरा मुझे बताएं, मतलब ये लीलन है, कौन सा स्टफ है ये? स्टफ है मेरी मरीना है, लीलन है, पिछले साल जो बेचा है 700-750 में, अभी इसका रेट है 1400-1250-1400, मतलब ये भी डबल है, हर रेट डबल हो गया, अच्छा, तो वो जो मतलब पड़ा हुआ है वो क्या है? ये जो ये लीलन है, ये 2 पीस है, 3 पीस है, थ्री पीस है। इसकी क्या प्राइस है, मतलब क्या इसकी अभी है 900 प्राइस है। दुपट्टा? ये शलवार है, ये दुपट्टा है, ये कमीज है, 900 है, ठीक है।
तो सबके मतलब जैसे कि ये इस लाइन में लगे हुए हैं ये वाले बिल्कुल, ये कोई टू पीस है कोई थ्री पीस है, ये जो है टू पीस है वो बाकी थ्री पीस है। और टू पीस की क्या प्राइस है? टू पीस की 550 650 550 650 ठीक है। तो वीवर्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप लोग जेंट्स के सूट लेने आते हैं तो यहाँ पर लेडीज़ की वरायटी वो भी मौजूद है, कलर भी काफ़ी अच्छे हैं और मतलब ये ग्रीन वगैरह ग्रीन भी और रेड भी काफ़ी कलर मौजूद है यहाँ पे। अच्छा तो भाई ये क्या है, ये कौन सा स्टाफ? ये रेशमी आइटम है, ये फैंसी आइटम होते हैं जो। अच्छा अच्छा, तो एक दिखा, एक दिखाएँ भाई ज़रा एक समय। अच्छा तो ये कितने का मतलब सूट मिल रहा है? मरीना आपने बोला इसको? जी ये नहीं रेशमी है, रेशमी है जो फैंसी होते हैं ना, ये 2025 में रखी है। तो ये थ्री पीस ही है जी? ये बिल्कुल मुकम्मल सूट होता है, शलवार पीस। लाइनिंग इसके लिए लेनी पड़ेगी अदरवाइज बाकी तीनों पीस है इसके साथ? बिल्कुल तीनों पीस है। ठीक है, तो व्यूअर्स ये भी आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे जेंट्स के सूट भी अवेलेबल हैं और जौन से हैं लेडीज़ के भी हैं। तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि कितनी महंगाई हो गई, हर यही रो रहे हैं यानी कि रोना कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि स्टॉल लगे हुए हैं, ये भी लेडीज़ के सूट हैं, मतलब जो प्राइजेज है लास्ट ईयर की नस्बत इस साल डबल हो गई हैं। कस्टमर भी रो रहे हैं और दुकानदार भी, कस्टमर हमारे पास ज़्यादा नहीं आ रहे, वो सुन के हमारे जो सी प्राइस वो चले जाते हैं। लेकिन कुछ यहाँ के पहले कस्टमर ने कहा था कि हम लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, प्राइस भी कम करके हम चीज़ को बेच देते हैं। तो यही रला मिला रुझान है। तो इंशाल्लाह और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे, ऐसे ही मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।